एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रीदिंग बालकनीज। इस चैनल में हम बालकनी गार्डनिंग और उसमें आने वाली चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो एक मेन प्रॉब्लम जो मुझे आती है बालकनी गार्डनिंग में वो ये कि जो मेरा थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है बालकनी गार्डनिंग में उसका मैं क्या करूँ। तो खाने पीने की चीजें होती हैं तो वो तो कुकिंग में यूज हो जाती है, लेकिन मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स का जो प्रोड्यूस रहता है उससे हम क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए हम हर्बल हेयर ऑयल बना सकते हैं विच इज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट डैंड्रफ एंड हेयर फॉल। तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं कि हम अपनी बालकनी में उगाई हुई मेडिसिनल और हर्बल प्लांट्स से कैसे एक हेयर ऑयल बनाएं जो डैंड्रफ और हेयर फॉल के लिए काफी कारगर सिद्ध है। हेयर ऑयल बनाने के लिए आपको एक बेस ऑयल चाहिए होगा। इसके लिए मैं कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ। आप बाजार से खरीदा हुआ कोई भी कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ जो मैंने मोटे मोटे तोड़ लिए हैं। इसके अलावा मैं कलौंजी, मेहंदी की पत्तियाँ, गुड़हल के फूलों की पत्तियाँ, आंवला और ब्राह्मी यूज कर रही हूँ। आप एलोवेरा जेल, मीठे नीम की पत्तियाँ, कड़वे नीम की पत्तियाँ या मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं। इनमें से काफ़ी इंग्रेडिएंट्स तो आपके घर में ही उग रहे होंगे। ध्यान रहे, जो भी आप इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं पहले उनको धो पोंछ के थोड़ा सुखा लें ताकि तेल में मॉइस्चर कम से कम जाए। जहाँ तक हो सके एक बार में 4-5 इंग्रेडिएंट्स ही इस्तेमाल करें। मेहंदी की पत्तियाँ आप डंडी सहित भी डाल सकते हैं। मुझे सिर्फ पत्तियाँ डालना पसंद है इसलिए मैं इनकी डंडियाँ हटा देती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स एक साफ ड्राई कांच की बोतल में डालने के बाद ऊपर से आप इस पे अपनी पसंद का बेस ऑयल डालें। इसको ऐसी जगह रखें जहाँ 2-4 घंटे के लिए धूप आती हो। ढक्कन इसका लूज ही रखें और दिन में एक बार शेक ज़रूर कर दें। रखे होने के कारण धीरे धीरे इसमें डाले गए इंग्रेडिएंट्स पकते रहते हैं और उनका कलर तेल में मिक्स हो जाता है। 2-3 हफ्ते में तेल बनके तैयार है। अब आप इसका ढक्कन टाइट लगा करके शेड में रखें और जब ज़रूरत हो इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।